हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन? आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विकसित किया गया। यह दस्तावेजों को स्कैन करेगा और देशभक्ति को दर्शाता केंद्र के 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के बीच राज्य सरकार का सेल्फ स्कैन ऐप आया है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 23, गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट्स 42 और राज्यसभा सीट्स 16 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी अदर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक की पुस्तक निम्न में से किस प्रकाशन के द्वारा विकसित की गई? जो कि ये पुस्तक रूपा प्रकाशन के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि 1962 में नूरनांग की भारत चीन की लड़ाई की कहानी बताने वाले एक उपन्यास को पुरस्कार विजेता ए.के. श्री कुमार ने लिखा है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक वाली किताब गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति की कहानी है। पुस्तक का प्रकाशन एक उच्च प्रख्यात भारतीय प्रकाशन गृह रूपा प्रकाशन के द्वारा किया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो कि प्रकाशन रूपा प्रकाशन और जो कि किताब है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड और ये किसने लिखा है? ए.के. श्री कुमार ने लिखा है। ये तीनों चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई? जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति को खोजी गई है। आप इसको ध्यान रखिएगा, फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई। इस नई प्रजाति का नाम सितारा धारवारेंसिस है, जो कि धारवार क्रेटन से निकली है, जो पृथ्वी की पपड़ी का एक टुकड़ा है। नई प्रजाति काफ़ी हद तक फैन थ्रोटेड छिपकली की प्रजाति से मिलती जुलती है, जिसे सीतना लेटिस कहा जाता है। हालांकि नई प्रजाति का बड़ा फैन वाला गला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। एज अ मैसूर स्टेट, कैपिटल है बेंगलोर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30, गवर्नर है वजूभाई बालाजी, चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदुरप्पा जी हैं जो कि बीजेपी सी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स 28 और राज्यसभा सीट्स 16 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से सभी चीज़ों को कवर किया जा सके। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी है, इस तितली का पंख कितना बड़ा है? जो कि इस तितली का पंख 194 mm है, 194 मिलीमीटर है। बता दें कि गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है,
यह रिकॉर्ड पहले दक्षिणी बर्डविंग के द्वारा 88 वर्षों के लिए रखा गया था। 194 mm के पंख के साथ प्रजाति की मादा दक्षिणी बर्डविंग 190 mm की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है, जिसे ब्रिगेडियर विलियम हैरी ने 1932 में दर्ज किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और बता दें, लेकिन नर गोल्डन बर्डविंग 106 mm से बहुत छोटा है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों, आपको कहीं पे कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थान पर 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को क्या है समर्पित की है। बता दें आपको फुल डिटेल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। रीवा परियोजना प्रति वर्ष लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन के कम करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा इकाइयां शामिल हैं, और सोलर पार्क का विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा किया गया था। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है, गवर्नर हैं लालजी टंडन जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जनसंख्या के बीच COVID-19 संक्रमण की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सीरो निगरानी करने की योजना बना रहा है, जो कि ये ICMR के द्वारा यह योजना बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जनसंख्या के बीच COVID-19 संक्रमण की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सीरो निगरानी करने की योजना बना रहा है। यह पहले किए गए एक समान अध्ययन का अनुवर्ती होगा और मई 2020 में ICMR के द्वारा किए गए सीरो सर्वेक्षण के अंतिम परिणाम, जो अप्रैल के मध्य में संक्रमण पर केंद्रित थे, अभी भी क्या है प्रक्रियाधीन है। आप समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि ये लग्जरी राइड ने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि लग्जरी राइड पूर्व स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला ने गायक सुखबीर सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। सुखबीर सिंह जल्द ही लग्जरी राइड के लिए आने वाले ब्रांड और उत्पाद संचार की पहल के दौरान पूरी तरह से मार्केटिंग अभियान में दिखाई देंगे। कंपनी की स्थापना सुमित गर्ग, ध्यानु दास, विक्रम पन्नू और विशाल पन्नू ने 2015 में की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको जुलाई मंथ का फुल करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, टॉप जितने भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस क्लास को जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में 9 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के लिए प्राप्त किए गए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं हिमाचल राज्य के बारे में फुल डिटेल में, हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। दोस्तों,
जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को कैपिटल साइंस की शिमला और धर्मशाला, जो कि आप ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, लोकसभा सीट्स 4 हैं और राज्यसभा सीट्स 3 हैं। आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में चीफ मिनिस्टर गवर्नर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से बनते तो हैं ही। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस कंपनी ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने जो कि नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह मनीष प्रकाश से पदभार ग्रहण करेंगे, जो सरकार के क्षेत्रीय बिजनेस लीड माइक्रोसॉफ्ट एशिया की भूमिका में बदलाव करेंगे। इससे पहले बाल मैकिन्से एंड कंपनी में एक वरिष्ठ भागीदार थे, जहां उन्होंने भारत में पुनर्गठन और परिवर्तन सेवाओं और संचालन सेवा लाइन का नेतृत्व किया। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में इस न्यूज़ से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन बने, आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि एक कार्यक्रम निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDC ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। यह हाशिए के तबके के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करेगा। CIDC के साथ साझेदारी में NHIDCL पोर्ट ब्लेयर ने माया बंदर में स्थानीय युवाओं या स्कूल छोड़ने वालों के लिए मैसन ट्रेड के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक 3 महीने के कार्यक्रम की योजना बनाई है। आप ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पायलट चरण में कोका कोला के उत्पादों के पोर्टफोलियो को ग्रामीण ई स्टोर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सूचीबद्ध किया जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में क्या सूचीबद्ध किया जाएगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, कॉमन सर्विस सेंटर ने कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह कोका कोला उत्पादों को अपने ग्रामीण ई स्टोर प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करेगा। पायलट चरण में कोका कोला ने उसके उत्पादों के पोर्टफोलियो को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में ग्रामीण ई स्टोर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपको सभी राज्यों के नाम ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस को बदल करके पूछा जा सकता है, जो कि आप सभी राज्यों का नाम जान लें दोबारा से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बाकी यही सभी राज्य हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आपको सभी PDF वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्स लैंग लासेल का द्विवार्षिक ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है, इसने कितने देशों को कवर किया, जो कि इसने जो है 99 देशों को क्या है कवर किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि इसमें भारत सूचकांक में विश्व स्तर पर 34वें स्थान पर है। आप जो है भारत का रैंकिंग ध्यान रखिएगा, रैंकिंग से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कुछ एशियाई देशों की स्थिति के नियमानुसार है, बता दें आपको, जिसमें मुख्य भूमि जिसमें चीन का जो है 32वां स्थान है, थाईलैंड का 33वां और भारत का 34वां, जैसा कि हमने भी बात किया, और आपका इंडोनेशिया का 40वां स्थान है और फिलीपींस का 44वां और वियतनाम जो है 56 नंबर पर है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछा जा सकता है सभी प्रश्न। बता दें कि JLL 1999 से रियल इस्टेट पारदर्शिता पर नजर रखे हुए हैं। GRETI के इस 11वें संस्करण में 99 देश और क्षेत्र
बता दें इसमें 163 शहर क्षेत्र शामिल हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये क्लास उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। हमारे इस चैनल पे सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, आगे हम और अच्छी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।